तो एक चीज जरा समझ, इस रिएक्शन में जरा समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो पूछा है केनिजारो रिएक्शन में इंटरमीडिएट विच इज बेस्ट हाइड्रेट डोनर, ठीक है ना। तो जनरली होता क्या है, जब आप लोग केनिजारो रिएक्शन पढ़ते हो तो आपको मालूम, मैंने केनिजारो रिएक्शन जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन है कि नहीं है, तो ये भी मालूम है कि जब इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, इट्स बेस OH माइनस लेते हैं, यहां पे अटैक करता है ये कंपाउंड इस जगह, ये हो गया HCO माइनस, ये हो गया OH और ये H, यही है कि नहीं है। अब यहां जरा बात समझना कि इस कंपाउंड, ये रिएक्शन यहां से हाईली रिवर्सिबल है, क्योंकि जब ये O माइनस नीचे की तरफ आ रहा है ना बेटा जी, तो होगा क्या इस जगह पे, इस जगह पे आपको मालूम है कि आप जब भी हम ऐसे ए मैकेनिज्म करते हैं, ये मैकेनिज्म ऐसे नहीं, तो होता क्या है कि जो प्रोडक्ट जो जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है वो पहले निकलता है, क्लियर है। अब यहां जरा समझना कि अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें से सबसे पहले कौन निकलेगा, OH, और रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल, क्लियर है कि नहीं है। पर हाइड्राइड भी निकल सकता है, पर उसको हाइड्राइड निकल सकता है, पर हाइड्राइड निकालते नहीं क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप है कि नहीं है। पर आप लोग याद करिए, हाइड्राइड हर जगह पे हमने निकाला, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, ये कब निकलते हैं, जब इनको और कंपाउंड कोई भी कैटायन क्या होता है, इनको एक्सेप्ट करने वाला कैटायन हो, कोई भी इलेक्ट्रो मतलब डेफिशिएंट एटम हो, जैसे उस जगह पे कैटायन रहता था, ठीक है ना। तो यहां पे भी क्या होता है कि इस जगह पे रिएक्शन में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है जो इसको क्या करेगा, खींचेगा, तब जाके रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर ये वाली रिएक्शन फिर भी क्या है, ये स्टेप जो है क्या है, ये स्लो स्टेप है, क्या है ये, स्लो स्टेप है, ठीक है। और प्रोडक्ट HCOH प्लस CH3O माइनस, यहां पे ये जो कंपाउंड है एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा फर्दर, और ये कंपाउंड हमारा बन जाता है, ये बनता है, क्लियर है OH इस जगह पे। अच्छा, इस रिएक्शन को इस तरीके से देखते हैं तो फिर भी ये रिएक्शन बहुत स्लो है, जो बनने वाले प्रोडक्ट है वो स्लो है, ठीक है। कारण क्या है, OH ज्यादा पहले निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को, आपको मालूम है कि जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो यहां पे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं, क्या लेते हैं। अब इसमें भी अगर NaOH की कंसंट्रेशन हम 50% या 80% के लगभग रखते हैं, कितना 50 और 80% में, तो क्या होगा मालूम है, सबसे पहले देखना, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये जो कंपाउंड बना ना आपका OH में, ये इसके H को निकाल लेगा और ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, O- H में कन्वर्ट, डाई एनायन फॉर्म में कन्वर्ट। अब जब ये डाई एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब इस केस में जब ये O माइनस नीचे आएगा वापस से, ऐसे नहीं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो H निकले या फिर O माइनस निकले। तो O माइनस इज मोर पुअर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू हाइड्राइड, क्योंकि O माइनस का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई। इसका मतलब यह है कि अगर हम ऐसे कंपाउंड जोड़ देते हैं इस जगह, ओ की जगह अगर हम ऐसे कंपाउंड जोड़ देते हैं जिसका प्लस आई इफेक्ट लगता है, क्या लगता है, वो क्या करेगा, हाइड्राइड डोनर की स्पीड को बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा, अरे बोलिए, ठीक है। तो जैसे ये डाई एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अब रिएक्शन बहुत तेजी से होगी और प्रोडक्ट क्या होगा, हाँ दिक्कत यह है कि इसके अंदर यह रिएक्ट बनेगा, इसके अंदर दोनों जो प्रोडक्ट बनेंगे ना, जैसे HCO, यहां पे जो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे HCO माइनस, दोनों ही एनायन बने के फॉर्म में बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बस अंतर इतना है, उसमें क्या होगा, ये H लगेगा यहां पे इस जगह पे और यहां पे दोनों एनायन के फॉर्म में। बट इससे ये चीज मालूम पड़ेगी कौन बेस्ट हाइड्राइड डोनर होगा, मतलब H की जगह बताइए ऐसा कौन सा ग्रुप लगाऊं जिससे क्या हो, H डोनर पावर बढ़ जाए, प्लस आर ग्रुप, मतलब ऐसा इफेक्ट जिसका प्लस आई इफेक्ट हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बोले। तो देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो यही पूछ रहा है इसके अंदर, ठीक है। ओ माइनस में बहुत अच्छा डोनर कौन होगा, हाइड्राइड डोनर कौन होगा, ठीक है, बी डी, बी सी डी, चेक करते हैं पहले, बी सी डी मालूम पड़ गया आपको, बी सी डी, ओ माइनस तो वैसा का वैसा ही है तीनों में, अरे बोलो। अब बचता है एक तो फिनाइल रिंग और एक नाइट्रोबेन, एक नाइट्रोफिनाइल, और दूसरा बनता है हमारा एनिसोल, याद आया कि नहीं है। तो इसमें किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, प्लस आर इफेक्ट, तो अच्छा हाइड्राइड डोनर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइड्राइड डोनर कौन अच्छा होता है।
क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो यही रिएक्शन कहने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में ये थे। अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए जरा इसी के अंदर, मुझे एक बात बताना क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्राइड डोनर के बारे में। हाँ तो केनिजारो रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा केनिजारो रिएक्शन दो तरह की है, एक तो ये सिंपल सेल्फ क्रॉस और इंट्रामोलिकुलर, ठीक है ना। तो एक तो ये हमने देखा ये केनिजारो रिएक्शन है, ये वाले स्टेप स्लो। अच्छा क्वेश्चन नंबर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा यहां पे देखो जरा बात करते हैं एल्डिहाइड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ, एल्डिहाइड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ। आपको मालूम है एल्डिहाइड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, जिसके अंदर पहले हेमी एसिटल बनता था, फर्दर एसिटल में कन्वर्ट हो जाता था। अच्छा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो बेटा एक चीज तो तय है कि यहां पे जब आप रिएक्शन कर रहे हो तो ये जब एल्डिहाइड आप लेते हो, जब ये एल्डिहाइड लेते हो आर सी एच डबल बोन ओ और यहां पे एच ओ आर डैश लेते हो, इस रिएक्शन में आपको मालूम है न्यूक्लियोफिलिक, बहुत सिंपल ये आपका लेस हिंडर होना चाहिए, अरे बोलो, और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए पर ये भी लेस हिंडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अरे क्लियर है। ये हम लोग कई बार तो उसके हिसाब से बताइए कौन सा बेस्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ये, क्योंकि एक पी जो बनेगा पी में कीटोन बनेगा और सी में क्या बनेगा आप, क्यू में क्या बनेगा एल्डिहाइड, और कीटोन कीटोन और एल्डिहाइड को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है मालूम है फेलिंग्स। अच्छा सोडियम बाई सल्फाइड से इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि मिथाइल कीटोन बन रहा है ना। अच्छा जी अच्छा क्वेश्चन नंबर फिर से देखते हैं, ये तो समझ में आया, ये वाला हमने बात है। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे क्वेश्चन लिया आपके सामने, मैंने कंपाउंड लिया सी एच ओ और एक ले लिया हमने यहां पे सी एच ओ एनओ टू, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ओ एच माइनस ले लू तो ये क्रॉस केनिजारो बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, अरे दोनों में देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा क्रॉस केनिजारो। तो क्रॉस केनिजारो में एक सिंपल सी बात है, एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का क्या होगा रिडक्शन। तो भाई साहब किसका ऑक्सीडेशन होगा आपको मालूम होना चाहिए कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा हो। कैसे रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करें आप मुझे बताइए कि सी डबल बॉन्ड ओ यहां पे है और एच यहां पे है कि नहीं है। अच्छा रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू माइनस आर, माइनस आर लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई, ऑक्सीडेशन उस मॉलिक्यूल का होगा जिसके ऊपर OH माइनस अटैक होगा, तो बताओ OH इन दोनों में किस पे अटैक होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन और उसका H निकल के इधर जाएगा, क्लियर है कि नहीं ये, अरे बोलो। तो ये इसको बोलते हैं क्रॉस केनिजारो रिएक्शन, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास एक इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शन, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं जरा इसको देखिए जरा, हमारे पास एक कंपाउंड है हाँ जी, क्वेश्चन बताइए ए और बी के बारे में बताइए, ए और बी क्या हो सकते हैं, पहला आपको मालूम है ना ये एल्डिहाइड है अल्फा हाइड्रोजन विदाउट, ठीक है ना, तो कौन सी रिएक्शन शो करेगा ये केनिजारो, तो ए क्या बनेगा और बी क्या बनेगा, ए तो ए क्या बनेगा मालूम पड़ा आप लोगों को, अरे एक का ऑक्सीडेशन और एक का मालूम है ना इसमें भाई OH माइनस अटैक करेगा H निकल गया, तो ये जो कंपाउंड बनेगा आपका ये हो जाएगा CH2OH और ये हो जाएगा आपका COO माइनस, यही होगा कि नहीं होगा। मैं इसको ऐसे देख सकते आगे देखें तो ये कंपाउंड हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा,
अल्फा हाइड्रोक्सी, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सी एच टू ओ एच, एसिडिक मीडियम है तो सी डबल बॉन्ड ओ एच बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, जब हीट करते तो डाइमर बनाते थे, हीटिंग इफेक्ट में आप लोगों ने देखा है इस चीज को, तो ये कंपाउंड सी ओ एच और ये ओ एच। अच्छा, टोटल कितने प्रोडक्ट बने ये देख लेते हैं हम लोग, टोटल एक ही प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा यहां पे, मतलब कितने बोल रहे हो अभी भी बोलो, एक ही बनेगा ना, अरे बोलो, एक ही प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि यहां पे मिथाइल रखा ही नहीं है मैंने इस बार, ठीक है ना, तो यहां पे जीआई होने के चांसेस नहीं है, जो सिस और ट्रांस नहीं होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो एक ही प्रोडक्ट बना कि नहीं बनाइए इसमें। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था हम लोगों ने हीटिंग में, उसमें तीन बन रहे थे, समझ में आई बात ये। तो ये क्वेश्चन पहले तो क्या हुआ, केनिजारो, केनिजारो के बाद हीटिंग इफेक्ट में अल्फा। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर के बात करते हैं, सेवन हो गया। अच्छा मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर एट क्या है, क्वेश्चन नंबर एट कौन से मैकेनिज्म, इंट्रामोलिकुलर। अच्छा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में आप मुझे बताइए एक चीज, हमेशा याद रखना, जब भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कराते हैं तो फाइव मेंबर की रिंग सिक्स मेंबर की रिंग, रेयर केस में सेवन मेंबर की रिंग, फोर मेंबर की रिंग नहीं बनाएंगे, मेनली हम कौन सा बनाएंगे फाइव और सिक्स, क्लियर है। अच्छा एक चीज, इसमें भी एक चीज आप मुझे बताइए, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहां पे किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन से इनोलेट आयन बनाएंगे, वो कीटोन वाला इनोलेट आयन कहां अटैक करेगा, एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, क्लियर है। अगर एल्डिहाइड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोनों तरफ, कीटोन है तो दोनों तरफ दिक्कत नहीं है, पर हाँ एल्डिहाइड और कीटोन में ये चीज का ध्यान रखना। अच्छा एक चीज फिर उसके बाद, ये समझ में आया कि नहीं आया, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसके अंदर, सी। हाँ बोलिए, हाँ ये जो रिएक्शन को जरा ध्यान से देखना, क्योंकि उसके हिसाब से एक्चुअल में, हाँ ये देखा क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखा था, एक्चुअल में क्या है ना, यहां मुझे लगता है कि ना एक गड़बड़ क्या हुई है कि जो उसने आगे का स्टेटमेंट लिखा ना वो स्टेटमेंट भी देख के चलना है, वही स्टेटमेंट मतलब उससे पहले अगर देखा जाए तो फिर अगर कीटोन बनाते हैं अगर अपन, नहीं अगर आप सुनो मेरी बात, इसने भाई दो जगह ले सकते हैं, या तो एल्डिहाइड बनेगा या एसिड बनेगा, तीन ऑप्शन हो सकते हैं, कीटोन एल्डिहाइड और एसिड। कीटोन तो हो नहीं सकता क्योंकि सिल्वर मेरिट टेस्ट नहीं देता, अब बचता है कि एसिड होना हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, एसिड, पर फिर भी क्या होगा, बात समझे, क्योंकि उसने आगे क्या लिखा, सिल्वर मेरिट टेस्ट दे रहा है, इसलिए हम उसको इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। आगे देखें, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया उसको भी ध्यान से पढ़ना। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर अगर आपने करा हो जरा ध्यान से देखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 पैराग्राफ वाला है, ये करा है आप लोगों ने, हाँ, सबसे मेन चीज है ए और बी से डिफरेंशिएट करेंगे, इसलिए इन दोनों में ए और बी दोनों के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी आपको, नहीं नहीं टेस्ट से तो हो गया वो दोनों आ रहे, उसके बाद रिएक्शन भी दोनों के साथ प्रोसीड करनी पड़ेगी आगे, ए और बी के साथ, यही तो कह रहे हैं कि ए के साथ भी रिएक्शन थोड़ी प्रोसीड करनी पड़ेगी आगे और बी के साथ भी थोड़ी, आपको डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, बताते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपाउंड लिया, हम
इसने बोला पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना, तो पहले इस लाइन से ऑप्शन तो ए बनता है और बी बनता है, ए बनता है या फिर बी बनता है, ठीक है ना। अंडरगो रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव ओलेफिनोल। ओजोनोलिसिस ऑफ क्यू इल डाई कार्बोनिल कंपाउंड आर विच ऑन, हाँ जी, एक्चुअल में जब आप ओजोनोलिसिस करोगे ना, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल नहीं करेगा, जरा ध्यान से देखिए एस। तो मैंने आपको यही कहा ना, इसमें आपको आर तक तो बनेगा ही बनेगा, आर से एस डिफरेंशिएट हो रहा है सिर्फ यहां पे। इसको करा क्या आप लोगों ने? तो ये इसको तो आपको पूरा आता है कि नहीं आता, ये करें इसको फिर। ये बड़ा सिंपल है, पर अंतर यह है कि इसमें जो बी और ए को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको दोनों के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी, ऐसे आसानी से नहीं हो रहा ये डिफरेंशिएट जब तक इसकी रिएक्शन आर तक नहीं कर लेते हम लोग। तो चलिए एक चीज और देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 27, आइडोफॉर्म फिर क्या, आइडोफॉर्म के बाद क्या, बताइए ये हुआ कि नहीं हुआ ये? तो फिर ये दो बेंजीन, दो साइक्लोपेंटेन रिंग कैसे हो गई? आंसर क्या आ रहा है 27 का? दो, आपका आंसर सी आ रहा है ना, तो ये कैसे हो गया? ए आ रहा है ना, ए नहीं आ रहा, सी आ रहा आंसर। अच्छा चलो एक हिंट देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, याद करो एक वर्ड ड्राई डिस्टिलेशन, किसका ड्राई डिस्टिलेशन होता है? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां जब आप I2 के साथ रिएक्शन करोगे तो एक तो बन जाएगा आइडोफॉर्म, बचा हुआ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैल्शियम के सॉल्ट बना लेगा ना, और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता था ना, तो दो साइक्लोपेंटेन और बीच में कीटोन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब समझे रिएक्शन यहां पे, तो आंसर सी आएगा, क्लियर है? अरे बताएंगे इसको कि समझ में आया कुछ, ये ड्राई डिस्टिलेशन जानते हो ना, वो उसी तरीके से हम लोग कैल्शियम हो गया ये। अब आंसर सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, अगला देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए जरा इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए जरा और मुझे बताइए क्या बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 करा कि नहीं करा ये? हाँ जी,
एक मिनट, एनएआई एसीटोन कौन सा रिएक्शन? एंटी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अरे एनएआई एसीटोन एंटी एडिशन है ना, तो क्या बनेगा? ट्रांस, क्योंकि टाई का जस्ट ऑपोजिट होगा ना। अरे भाई आप जब एडिशन करते थे तो आप यही लिखते थे ना कि ट्रांस एंटी एडिशन, तो इराइथ्रो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो भाई इराइथ्रो दे रखा है, एंटी एलिमिनेशन होगा तो ट्रांस बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई ये एडिशन था और ये एलिमिनेशन E2, ये एडिशन ये एलिमिनेशन ऑपोजिट होगा, तो भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक्स क्या बनेगा? ट्रांस, ये बन गया ट्रांस। अच्छा इसके बाद आपने क्या यूज कर रखा, जरा ध्यान से देखना, परऑक्सी, परऑक्सी एसिड यूज करा है कि नहीं करा? तो बताइए क्या होगा इसके अंदर? परऑक्सी एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो ये क्या करता है? सिर्फ इपोक्सीडेशन करता है, क्या करता है? बस रिएक्शन यहां खत्म, जिसको आपने प्रिलिस्टिव रिएक्शन बोला था, ये रिएक्शन, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए इसमें, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली, पर एक्चुअल में क्या है, यहां इसने क्या कंसीडर करा है मालूम है? इसने कंसीडर करा है इसके साथ एच प्लस एच टू ओ भी कंसीडर करा है, तब जाके जो प्रोडक्ट बनेगा ना एक्चुअल में। सुनो, अगर हम यहां पे सिर्फ सी एफ थ्री सी ओ थ्री एच रखते हैं ना बेटा, तो सिर्फ ये बनेगा, और अगर आप इसके बाद अगर ऐसे लिख लेते ना सी एफ थ्री, और यहां पे आप क्या लिख देते सी एफ थ्री के बाद इस जगह पे सी एफ थ्री सी ओ थ्री एच लेते, तो आपको मालूम हो दोनों को मिला के जो बोलते थे वो क्या होता था? ओ एच का एडिशन होता था, वो भी एंटी, याद है कि नहीं? पर अगर आपको मालूम है 1% के एम एन ओ फोर लिया जाए, 1% के एम एन ओ फोर मालूम है कि नहीं? क्या बोलते थे 1% के एम एन ओ फोर है ना, बेयर्स रिएजेंट था कि नहीं था? ये क्या करता था? दो एच जोड़ता था कि नहीं जोड़ता था? अच्छा ये दोनों को मिला के ये मालूम है क्या करते थे? दो एच ये भी जोड़ते थे, पर ये एंटी, ये एंटी और ये सिन, क्लियर है कि नहीं ये बात? तो इसमें अगर ये वाला अगर एंटी है तो ट्रांस एंटी इराइथ्रो, याद आया ना? इराइथ्रो का मतलब अगर दोनों ऊपर सी एस थ्री सेम है तो मीजो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हम इराइथ्रो बोलते हैं, अगर दोनों डिफरेंट है तो अलग बात है। अच्छा यहां पे सिन एडिशन होता है कि नहीं होता? अरे बोलिए, तो यहां थ्री ओ प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस केस में अगर ये प्रोडक्ट ऐसे बनता है OH, सॉरी हाँ OH H H, तो ये वाला कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि नहीं? और यहां पे जो कंपाउंड बनेगा ये आपका क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो उसी हिसाब से वो कंसीडर कर रहा है। क्वेश्चन को समझे वो क्या? अरे भाई फिर से सुनना, अगर H प्लस एच टू ओ नहीं दिया तो यही बनाएंगे, ये फिक्स्ड है, ये तब बनता है जब H प्लस एच टू ओ दिया हुआ, तो उसके हिसाब से आंसर ये होना चाहिए जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, पर कंसीडर करा है तो हम लोग बता रहे हैं कि आंसर क्यों कैसे दिया है। क्लियर है? समझ में आया? प्रिलिस्टिव रिएक्शन है ये। अच्छा एक चीज और बताएं, ये इपोक्सीडेशन एक कंपाउंड और कर सकता है, आपको अगर मालूम हो Ag2O, देखिए Ag2O आपने कहां कहां पढ़ा होगा, सुन लीजिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। Ag2O, ये जो Ag2O आपने पढ़ा है ना, देखिए Ag2O के बारे में, या तो ये मोइस्ट होगा, पहले इसकी ड्राई की बात लेते हैं, ड्राई, ड्राई अगर है तो इसका रिएक्शन जब RX के साथ था ना, तो आपने प्रोडक्ट क्या बनाया था सुन लेना, आपने प्रोडक्ट बनाया था ROR ईथर, और अगर ये मॉइस्ट है, क्या है ये? मॉइस्ट है, और RX का रिएक्शन जब आप लोगों ने यहां करा तो ये कंपाउंड आपका क्या बना था इस जगह पे? A0, क्योंकि ये Ag2O जो होता है मॉइस्ट, इट इज अ सोर्स ऑफ OH माइनस, ठीक है, और ये कंपाउंड आपका OH बन जाए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अच्छा एक जगह और आपने इसको पढ़ा है मालूम है, ये एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में पढ़ा हुआ है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में भी मॉइस्ट Ag2O पढ़ा है। जब रिएक्शन आपने इस तरीके से कर ली थी, याद करिए कि जब N लेके हमने यहां पे N ये प्लस, और यहां पे जब हम लोगों ने मान लीजिए X माइनस लगा दिया, यहां पे AgOH के साथ रिएक्शन कराया था मॉइस्ट AgOH के साथ, ताकि एनायन एक्सचेंज हो जाए यहां पे, तो होता क्या था, ये कन्वर्ट हो जाता था इस तरीके से, ये N प्लस में, और इस जगह आ जाता था आपका OH माइनस, प्लस बन जाता था AgI, फिर हीट करते थे ना, जब हीट करते थे तो ये OH माइनस क्या करता था? एलिमिनेशन करता था। कौन सा एलिमिनेशन? हॉफमैन, याद आया कि नहीं? प्रोडक्ट हॉफमैन मेजर बनता था। क्लियर है?
याद आया कि नहीं आया? तो एजी टू हमने कहां कहां यूज करा मालूम पड़ा? एजी टू हमने यूज करा है पहला तो ड्राई इथर, अगर ड्राई यूज करें तो ईथर बनेगा, एक्वस करें तो अल्कोहल बनेगा, और एक यहां। और आपको मालूम है इसको एक जगह पे यूज और करते हैं, क्योंकि जो एजी टू होता है ना, अगर आप एजी टू ओ को हीट करते हैं तो इट प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन, क्या प्रोवाइड करता है ये? और अगर इसका रिएक्शन ऐसे करा दो ना बेटा, एजी टू ओ को अगर हीट कर दिया जाए तो फिर इपोक्साइड बन जाता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, इपोक्सीडेशन में काम करता है। अच्छा आपको एक बात और बताएं कि ये तो आपने यहां थ्री मेंबर, इस कंपाउंड को आप जानते हैं, इसको बोलते हैं सी एच टू एन टू डाई एजो मीथेन, इस कंपाउंड को बोलते हैं डाई एजो मीथेन सी एच टू एन टू। अगर आपने लिया है सी एच टू एन टू, ये सी एच टू एन, ये इस तरीके से हम लोग लेते हैं सी एच टू एन टू, ये कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, ये रेजोनेंस करा लीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ये सी एच टू डबल बोन ऐसे हो जाए, ये हो जाएगा सी एच टू एन एन माइनस, ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब हम इसको हीट करते हैं ना, हीट का साइन, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे ना तो ये सी एच टू एन टू जो होता था ना, याद करिए ये सी एच टू अगर हम लोग यहां लिखते इस तरह का कंपाउंड है, यहां माइनस है, और अगर आप इसको हीट करोगे तो ये बोन टूट के इधर चल जाएगा, क्यों? क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है कि नहीं है? गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये जो कंपाउंड बनता था इसको बोलते थे कार्बिन प्लस ये नाइट्रोजन गैस निकल जाती थी कि नहीं? ये सी एच टू, इसको डाई एजो मीथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाई एजो मीथेन। जब हीट करेंगे तो कार्बिन एज ए इंटरमीडिएट बनता है, और ये जो कार्बिन होता है ना ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्या होता है ये? तो जब ये रिएक्शन अगर हम लोग बात करें इसी में, अगर मैंने यहां ऐसे लिखा और ये कंपाउंड हमने लिखा सी एच टू एन टू और हीट का साइन लगा दिया तो कार्बिन बनेगा कि नहीं बनेगा? और कार्बिन क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बिन किस तरीके से ये हो गया सी एच टू डॉट लिखा, पर ये इसका ऑर्बिटल वैकेंट है, तो पोलराइजेशन ऑफ पाई बोन यहां पे ऐसे और ये इस तरीके से, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको थ्री मेंबर की रिंग मिल जाएगी इस तरीके से। याद आया कि नहीं आया? ये कार्बिन की रिएक्शन है, कार्बिन की रिएक्शन, मतलब वैसे तो हाइड्रोकार्बन में इसकी रिएक्शन आने के चांसेस कम है, पर फिर भी ये एक बार पूछा जा चुका है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम सोचते हैं कि जब स्ट्रक्चर पूछ लिया तो हो सकता है रिएक्शन भी दे दे। याद है ना ये वाली रिएक्शन? अगर हीट नहीं होता ना तब दिक्कत थी। अरे लिखा ये, अच्छा एजी टू ये इपोक्साइड बना कि नहीं बना? इपोक्साइड एजी टू, तो एजी टू समझ में आया ना कहां यूज कर लिया हम लोगों ने? और अगर CH2N2 होता तो प्रोडक्ट क्या बनता? हीट का होता तो प्रोडक्ट क्या बनता? पहले कार्बिन बनता, और कार्बिन से रिएक्शन क्या होती है? क्लियर? अच्छा चलिए एक रिएक्शन और देते हैं, जरा इसका आंसर करके बताना। मान लीजिए हमने ये सेम चीज लिखा है, ये तो कम से कम बता देना क्योंकि ये तो सिलेबस का ही है, ये कार्बन लिया, यहां लिया हमने CHCl3 और यहां लिया KOH हीट का साइन, प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म KOH, याद करिए ये रिएक्शन हमने यूज करा हुआ है, क्लोरोफॉर्म KOH एकमात्र रिएक्शन है, एकमात्र हमारे सिलेबस में अल्फा एलिमिनेशन का एग्जांपल है, जिसके अंदर क्लोरोकार्बिन बनता था, रिमर टाइमन में यूज करा था कि नहीं करा था, और एक जगह और यूज करा, कार्बिलामाइन टेस्ट में भी यूज करा इस रिएक्शन को, दो जगह, हम तीसरी जगह यूज करने जा रहे हैं। कार्बिलामाइन टेस्ट किसके लिए होता था मालूम है आपको? 1° अमाइन के लिए होता था, जिसके अंदर आइसोसाइनाइड बनता था। अच्छा मुझे एक बार बताइए ये वाला कंपाउंड कार्बिलामाइन टेस्ट देगा या नहीं देगा? अगर हम इसकी बात करें, ये कंपाउंड RCOONH2 क्या ये कार्बिलामाइन टेस्ट देगा? नहीं देगा ये, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी नहीं है, पर एनिलीन ये टेस्ट देता है। ठीक है, तो यहां पे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि जब दोनों रिएक्ट करेंगे ना ये दोनों, तो मालूम है कार्बिन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? CCl2 और डॉट बनेगा, नहीं बनेगा? और फिर वो दोनों मालूम है इसके साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कार्बिन का रिएक्शन यहां करवाया था ना हम लोगों ने, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा CLCl। अरे बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? अच्छा इसी क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, मान लीजिए हमने इस कंपाउंड को ऐसे लिखा, C
CH2N2 और हीट का साइन नहीं है, CH2N2 हीट का साइन नहीं है अगर इसमें, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। हीट का साइन नहीं है तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। हीट का साइन है तो मालूम है क्या बनेगा ना, साइक्लोप्रोपेन बनेगा। अगर हीट का साइन नहीं होता तो रिएक्शन को देखे किस तरीके से करेंगे। ये कंपाउंड हमारे पास यहां ऐसे लगा है, हमने डबल बॉन्ड, और इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर था हमारे पास CH2 क्लियर। अरे समझ में आइए, यहां पे क्या होगा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन नाइट्रोजन पे, ये बॉन्ड उठ के इधर गया माइनस चार्ज, और ये यहां टेक करेगा कि नहीं करेगा, कितने मेंबर की रिंग देखिए जरा, पांच मेंबर की रिंग बनी कि नहीं बनी, क्लियर है ये चीज, अरे क्लियर है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके से देखेगा जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया ऐसे, होगा कि नहीं होगा, होगा ना ये। अब मुझे एक बार बताना, एक बार क्वेश्चन देखिए आ सकता है ऐसा, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन सा रिएक्शन एरोमेटिक रिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर मैं इसी जगह पे ये ले लेता कंपाउंड और रिएक्शन को मैं इसके साथ करता CH2N2, हीट का साइन फिर नहीं दिया मैंने, अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। बना के बताओ रिंग एरोमेटिक बन रही है कि नहीं बन रही है, पहले वाले में रिंग एरोमेटिक बन रही है कि नहीं बन रही है, नहीं बन रही, पहले वाले में तो नहीं बन रही है, ठीक है, दूसरे वाले में बन रही है कि नहीं बन रही है, पक्का बना के तो देखो फिर बोलोगे बन गई। जल्दी बनाओ देखें तो, हाँ जी बना क्या, एरोमेटिक रिंग बनी क्या, नहीं बनी, बनी कि नहीं बनी, तो ये चीज का ध्यान रखना आप, टोटोमेरेज भूल मत जाना कभी, रिंग एरोमेटिक बनी ना। अब बताओ इसीलिए दूसरे पाई बॉन्ड पे CH2 अटैक नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा है, क्लियर है कि नहीं है। अरे ये देखिए ना सिस्टम बन रहा है आपका ABC, टोटोमेरेज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, क्लियर है, आगे बढ़े ठीक। अच्छा मुझे बताओ कौन कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, कौन कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, 1 डिग्री, सारे 1 डिग्री अल्कोहल तो नहीं देंगे, एल्कोहल वही वाला एल्कोहल ये टेस्ट देगा जो मिथाइल कार्बिनोल हो, मिथाइल कार्बिनोल CH3CHOH, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बिनोल, एल्कोहल को कार्बिनोल भी बोलते हैं, वही कंपाउंड ये टेस्ट देंगे जो मिथाइल कार्बोनिल हो, क्या हो, कार्बोनिल। हेलोफॉर्म मालूम है ना, हेलोफॉर्म में रिएजेंट क्या यूज करते थे मुझे एक बताओ, हेलोफॉर्म के अंदर
हेलो फॉर्म में रिएजेंट क्या यूज करते थे? हम यूज करते थे X2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, यही होता था कि नहीं होता था? अच्छा मतलब ये है, अच्छा हेलो फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोन की दो रिएक्शन है हमेशा, एक अल्फा हाइड्रोजन की और एक कार्बोनिल की। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन पर रिएक्शन होती है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो, फॉर एग्जाम्पल OH माइनस लिया और मैंने CH3O लिया, तो सबसे पहले एल्डोल कराओगे, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केनिजारो के बारे में सोचोगे। ऐसे ही सेम अगर बेस ले रखा और NaOH के साथ आपने इलेक्ट्रोफाइल भी ले रखा है, तो सबसे पहले हेलोजिनेशन होगा, वो भी अल्फा पोजीशन पे, कि अगर मैं कंपाउंड लेता हूं, ये कंपाउंड इसका रिएक्शन में कराता हूं X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, सबसे पहले इनोल बनेगा क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन टोटोमेरेज शो करते हैं। बेसिक मीडियम में इनोलाइजेशन होगा, H निकलेगा, इनोलेट आयन बनेगा, ये बन जाएगा यहां पे इनोलेट O माइनस। अब ये अटैक करेगा किसके ऊपर? इनोलेट आयन एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल, ये इंटरमीडिएट है इनोलेट आयन, इस रिएक्शन में इंटरमेट और ये RDS स्टेप, ये RDS। अब रिएक्शन होगा और ये अटैक करेगा इसके एंटीबॉन्ड पे, तो कंपाउंड हो गया हमारा C(O) और इस जगह जुड़ जाएगा हमारा X। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से बेस ने ये वाला हाइड्रोजन पहले निकाला और फिर उसके बाद अगली स्टेप में OH माइनस फिर इस हाइड्रोजन को निकालेगा कि नहीं निकालेगा? दोनों ही केस में बताइए कौन सी रेट फास्ट होगी, ये वाली या ये वाली? R2 वाली रेट क्या होगी? फास्ट होगी। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया तो इसका मतलब ये फिर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और फिर निकलेगा तो उसी लिए क्या होगा, बार बार निकलता जाएगा और क्या बनेगा वहां पर, क्या जुड़ जाएगा? तीन हेलोजन। अरे बोलो, अच्छा क्या हेलोजिनेशन इधर भी हो सकता है? बिल्कुल, यहां पे भी हेलोजिनेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहां मना करा है किसी ने, यहां पे भी हेलोजिनेशन हो जाता है CX3। अब इसके बाद हेलोजिनेशन वहां हो, उससे पहले बेस को क्या मिल जाएगा? इस जगह इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन पूछता है क्या इस जगह पे भी हेलोजिनेशन हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, पोली हेलोजिनेशन यहां पे भी जोड़ सकता है, ये भी एक प्रोडक्ट बनेगा। पर उस बीच में मेन क्या होता है कि ये यहां अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट भी मेन होता है, क्योंकि हम हेलोफॉर्म टेस्ट पढ़ रहे हैं, हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, क्लियर है? तो हमें कलर के बारे में ध्यान देना है। तो जैसे ही अटैक करेगा आपको मालूम पड़ा, ये हो जाएगा आपका OH और ये हो जाएगा आपका CH3-। हेलोफॉर्म बना के नहीं बना, क्लियर है? ये हेलोफॉर्म बना और ये एसिड बेस रिएक्शन यहां पे। अच्छा इसके अंदर एक रिएक्शन और होती है, मालूम है? अगर एसिडिक कंडीशन होता तो हेलोजिनेशन जो होता ना मोनो हेलोजिनेशन होता। फॉर एग्जाम्पल X2 लिया और एसिड ले लेते हैं, तब भी हेलोजिनेशन होता है। क्यों मालूम है? आप जरा ध्यान से देखिए, आपको मालूम है टोटोमेरिज जो होता है वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों मीडियम में होता है कि नहीं होता? तो अगर आपने एक्स के साथ यहां पे H+ लिया तो यहां पे भी हेलोजिनेशन होगा, पर समस्या ये है कि इस जगह जो होगा ना वो OH(O), यहां पे ये बनेगा इनोलेट आयन इस जगह पे। अब उसके बाद जब अटैक होगा ना इसके ऊपर XX, तो ये जो अटैक होगा वो सिर्फ एक यहां पे एक ही बार अटैक होगा, और इसमें ये वाली स्टेप RDS होती है, इसमें ये वाली स्टेप RDS होती है, और एक बार जुड़ के रिएक्शन रुक जाएगी, दोबारा रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होती? उसके पीछे कारण है कि जब H+ यहां जुड़ता है, तो जब H+ यहां जुड़ता है तो यहां कंपाउंड बनता है हमारा डबल बॉन्ड OH, और ये प्लस बनता है, और ये जब उठ के ऊपर जाता है तो यहां जो कंपाउंड बनता है OH कार्बोकेटायन। आपको मालूम है अगर पहले से एक X जुड़ा हुआ है तो कार्बोकेटायन अनस्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? तो ये दोबारा कार्बोकेटायन यहां नहीं बनेगा, तो वापस से इनोलेट आयन बनने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो रेट पॉली हेलोजिनेशन का केस, तो एसिडिक मीडियम में पॉली हेलोजिनेशन, बेसिक मीडियम में पॉली हेलोजिनेशन होता है, तो यहां पे सिर्फ अल्फा हेलोजिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। और इसमें भी बताते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी X2 की, इसमें क्या होगी? सबसे ज्यादा I2 की होगी, फिर Br2 की होगी, और फिर उसके बाद क्या होगी यहां पे Cl2 की। बट अगर हम लोग हेलोफॉर्म ले लें तो हेलोफॉर्म में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाली स्टेप जो थी वो RDS थी, X से ऊपर अटैक नहीं करता। हेलोफॉर्म में चाहे आप I2 लो, Br2 लो, Cl2 लो, सबकी रेट क्या होगी? बराबर रहती है उसके अंदर, क्लियर है? तो ये चीज का ध्यान रखना है सबसे चीज। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहीं पे कंपाउंड ये ले लेता हूं, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा? अगर मैं इसको लेता हूं, इस कंपाउंड ईस्टर को लेता हूं यहां पे, करेगा?
करेगा, मालूम है? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ईस्टर का, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा, ये यहां जाएगा कि नहीं जाएगा, ओ माइनस बन के ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, और ये जो बॉन्ड टूटा है ये आपका क्या बन जाएगा, ओ माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो जो एल्कोहल बनेगा ये एल्कोहल टेस्ट देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो, एल्कोहल ये टेस्ट क्यों देता है? क्योंकि आपको मालूम है इस पूरे रिएक्शन के अंदर ये जो कंपाउंड लेते हैं ना हम लोग, जो आप रिएजन लेते हो X2, जो रिएजन लेते हो X2 का रिएक्शन जो NaOH के साथ कराते हो, तो यहां जो कंपाउंड आपका बनता है वो बनता है आपका NaOX प्लस NaX प्लस H2O। ये जो कंपाउंड है Na+O-, ये खास रिएजेंट है, ये एक बेस है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एल्कोहल बनता है ना, 1 डिग्री एल्कोहल किसमें कन्वर्ट करेगा, LDI, और 2 डिग्री किसमें कन्वर्ट कर देगा? क्लियर है? इसीलिए जो इसको बना है ना, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या करता है ये? इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो बताइए 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसमें बनेगा, कीटोन, तो मिथाइल कीटोन बना कि नहीं बना? हेलो फॉर्म टेस्ट ये देगा। तो ईस्टर अगर बाय चांस आपको देता है, वैसे तो बता दें ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो आपको पता भी नहीं पड़ेंगे कि ये टेस्ट देते हैं नहीं, अमाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन, ऐसे बहुत सारे जो हेलो फॉर्म टेस्ट देते हैं, हमें वो सब याद नहीं रखने हैं, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं, क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर। अगर हम लोग ये बात हो गया ये, अरे समझ में आना, कौन सा देगा मालूम पड़ा है हेलो फॉर्म? हेलो फॉर्म के बारे में मालूम पड़ा, कौन हेलो फॉर्म दे सकता है? अच्छा एक चीज और, हेलो फॉर्म की अगर बात करें, एक क्वेश्चन करिए जरा, देखें हेलो फॉर्म के ऊपर करिए। ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, जरा बताइए इसमें ABCDE क्या हो सकते हैं? पहले तो ये बताइए आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा, क्योंकि एक्टिव मिथाइलिन कीटोन है कि नहीं है? जब भी एक्टिव मिथाइलिन कार्बन आता है तो समझ जाना कि ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया है, ठीक है ना? तो ये देने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करिए प्रोडक्ट, ये तो क्लियर है, ठीक है। मेन तो इसके अंदर डी बताना है आपको, एक मिनट, ABCDE, एक बी से नहीं, ये यहां से हटाना है इसको, OH-, हाँ सी गायब कर दिया, चलो नहीं है इसमें बीच में, चलो जल्दी से बोलो, आपको F बताना मेरे लिए क्या है वहां पे, B क्या है, E तो ठीक है इथाइल। अच्छा अगर E का रिएक्शन मैं करा देता हूं, जरा सुन लेना मेरी बात फिर से, ये तो आपने कई बार कर रखा है फिर भी एक बार बता देता हूं, रेड कॉपर, रेड हॉट कॉपर Cu, और अगर इसी का रिएक्शन में करा देता हूं NiCN टू के साथ, तो प्रोडक्ट क्या, निकल साइनाइड।
अगर रेड हॉट कॉपर के साथ कराता हूं तो प्रोडक्ट क्या है, ये पी क्या बनेगा और ये क्यू क्या बनेगा, ठीक है, बाकी तो और भी करिए। अरे यार इतना तो बता देना, ए क्या बनने वाला है, तो ए तो फिक्स है आपका बनेगा CH3 बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, और बी क्या बनेगा, एडीपी एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा, बी, तो ठीक है, तो फिर डी क्या बनेगा, अरे भाई साहब बी जो बनेगा वो एडीपी एसिड बनेगा, याद करो एडीपी एसिड हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा था ना, ये हीटिंग इफेक्ट में हाँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डी, हाँ तो नाम क्या है उसका, अरे ए और बी तो मालूम पड़ गया, आप तो सोल्व कर लीजिए, तो बताओ डी क्या बनेगा, जल्दी सोल्व करो यार, एडीपी एसिड नाम याद होना चाहिए, ऑक्सलिक एसिड में आपको CO2 निकलता था फॉर्मिक एसिड, फिर उसके बाद CO2 निकलता था एसिडिक एसिड, फिर उसके बाद सक्सनिक एसिड के बाद सक्सनिक एनहाइड्राइड ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड, फिर उसके बाद एडिपिक में क्या होता था CO2 और H2O दोनों लेगा, क्योंकि पहले बनता था 7 मेंबर का एनहाइड जो अनस्टेबल होता था, CO2 निकल जाता था, 5 मेंबर का साइक्लोपेंटेन बनता था, और अगर पिमेलिक एसिड होता था 6 मेंबर का साइक्लो कीटोन बनता था कि नहीं बनता था, तो ये बना आपका डी प्लस H2O प्लस CO2 निकलता है, याद करो हीटिंग इफेक्ट में। अब बताओ हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस जगह कौन सा रिएक्शन, ये यहां से यहां कौन सी रिएक्शन, एल्डोल, क्या हो जाएगी, ये एल्डोल हो जाएगी, तो प्रोडक्ट आपका इस तरीके से दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये वाला, तो मुझे बताओ पी क्या होगा, वो छोड़ो पी क्या होगा, सी हो जाएगा आपका CH ट्रिपल, यहां पे ई हो जाएगा ये, और ये कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन, और अगर हम निकल साइनाइड यूज करते हैं तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा इस तरीके से, टेट्रामर, ट्राइमर, टेट्रामर, क्लियर है, ये दोनों प्रोडक्ट क्यू आपका ये भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बेंजीन भी हो सकता है, यहां पे दोनों प्रोडक्ट बन सकता है, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, पर अगर आपको कुछ नहीं दिया तो आप ये बनाएंगे, क्लियर है, ठीक, और निकल साइनाइड लिख सकता है, निकल बोराइड भी लिख सकता है, यहां पर क्या लिख सकता है, निकल बोराइड भी लिख सकता है, ठीक, ट्राइमराइजेशन है ये, जैसे ये वाला ट्राइमराइजेशन होता था ना, तीन मेंबर की रिंग लेके इस तरीके से करते हैं ना, ये ट्राइमराइजेशन है, उसी तरीके से टेट्रामराइजेशन हो जाता है, ये बॉन्ड इधर, ठीक है, एक रिएक्शन करो जरा, एक फिर से ये कर लिया क्या, कौन सी रिएक्शन, इसको कौन सी रिएक्शन, हम लोग यहां पे ये सारी रिएक्शन के बाद एक रिएक्शन और होती है, जरा मुझको बताना, ये परकिन रिएक्शन याद है, परकिन रिएक्शन में जल्दी से बताओ परकिन, चलिए देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा, CHO इसका रिएक्शन मैंने कराया CH3C(O) एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, एक्चुअल में वीक बेस होना चाहिए, पर हाँ यहां लिखा हुआ है हमने सोल्ट ले रखा CO माइनस, ये भी वीक बेस है, ठीक है ना, आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, अरे बोलो आपको परकिन रिएक्शन याद है कि नहीं है,
जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन थी इसमें, ये सॉरी जिसके ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन लेते थे जो एरोमेटिक हो, पास में जो एनहाइड्राइड होता उससे लेते, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा लेते हैं, डिहाइड्रेशन करा लेते हैं। अरे बोलो, डिहाइड्रेशन कराने के बाद फिर से हाइड्रेशन करा लीजिए तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। अरे ये हो गया ना रिएक्शन, इसको बोलते हैं फर्फ्यूरल, इसको क्या बोलते हैं फर्फ्यूरल। तो ये कंपाउंड आपका देखो डिहाइड्रेशन कराया तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ये बन गया आपका एनहाइड्राइड। अब इसका हाइड्रेशन करा दीजिए, ब्रेक हो जाएगा ना, तो ये जो ब्रेक होगा कंपाउंड इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे लिया हमने सी एच डबल बॉन्ड सी एच और ये हो जाएगा सी ओ ओ ओ एच, होगा कि नहीं होगा, कौन सी रिएक्शन, परकिर। परकिर में एक्चुअल में यहां बेंजल्डिहाइड होता था, क्या होता था यहां पे बेंजल्डिहाइड, हमने क्या ले लिया फर्फ्यूरल ले लिया। हाँ एक्चुअल में क्या होता है इस पूरी रिएक्शन में, अगर आप यहां पे H+H2O का साइन, H+H2O है ना, तो आपको मालूम है H+H2O क्या करता है इस बॉन्ड को तोड़ देता है, क्योंकि जब भी हम लोग लेते हैं ना यहाँ पे तो ये यहाँ अटैक करेगा। अलग अलग कहानी है, जैसे एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी में तो है ही नहीं क्वेश्चन, अगर हीट ना भी हो तो आप डिहाइड्रेशन करा लीजिए आसानी से, ठीक है फाइनल प्रोडक्ट वो एक्चुअल में H2O कैसे, अगर H2O ना भी हो तो डिहाइड्रेशन, हीट का कोई मतलब ही नहीं है ठीक है ना, पर हीट दे रखा है रिएक्शन को। और भाई आप समझिए, ये अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाए, हीट दिया है तो इसी प्रोसेस को क्या कर देगा, वो कैटलाइज कर देगा। क्लियर है कहा, अरे हाँ मतलब आप सॉरी हाँ इस जगह की स्टेप को मान रहे हैं, इस जगह वाला जो है ना ये वाली स्टेप तो एल्डोल वाली है ठीक है ना, तो यहाँ हीट तो चाहिए चाहिए सही है, इस जगह फिर हीट होगी, ये वाला जो है ना ये बीटा एलिमिनेशन वाला है, ये वाली स्टेप डिहाइड्रेशन जो है हीट का साइन, यहां नहीं चाहिए इस जगह पे ठीक है, वो क्लियर है, हीट चाहिए क्योंकि वो एलिमिनेशन है, जब भी अल्फा हाइड्रोजन के साथ OH बनाते हैं ना तो वो हमेशा रहना एलिमिनेशन के लिए, हीट तो चाहिए ही चाहिए वहां पे। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन PDBSO4 के साथ कर देता हूं, PDBSO4H2O, एक मिनट इसका सबसे पहले इसका रिएक्शन कराया मैंने SOCl2 के साथ, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा ए, और इसका रिएक्शन अगर हमने PDBASO4 के साथ करा दिया तो फिर आपको मालूम है प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। अच्छा एल्डिहाइड, यही दोनों केस आपको मालूम है रिडक्शन के केस में भी आता है, कि जैसे अगर मैंने यहां ले लिया कंपाउंड CH3C CCH3, इसका दो रिएक्शन कराता हूं मैं, जरा ध्यान से देखना, एक लेता हूं मैं H2PDCaCO3 ठीक है ना, और दूसरा मैं लेता हूं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, याद है दोनों रिएक्शन, तो दोनों में अंतर क्या मालूम पड़ा आपको, ऊपर वाला रिएजेंट भी H2PDCaCO3 क्या हो जाएगा वो सिस, और ये क्या बनाएगा ट्रांस। क्लियर है कि नहीं है ये वाली। अच्छा अगर मैं यहीं पे रिएक्शन इस तरीके से ले लेता हूं, जरा ध्यान से देखना, टर्मिनल अल्काइन के साथ, बताइए दोनों में से कौन इसको रिड्यूस करेगा, सेम H2PDCaCO3 इसको रिड्यूस करेगा, वो भी अल्कीन के अंदर, पर ये सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा बल्कि एसिड बेस रिएक्शन कर जाता है, याद है कि नहीं है ठीक। अच्छा टर्मिनल एल्काइन की एक और खासियत है, मालूम है टर्मिनल एल्काइन अगर आप टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते थे व्हाइट प्रेसिपिटेट देता था कि नहीं देता, बाकी सब सिल्वर मिरर टेस्ट देते थे, ये टोलेंस क्या करता था यहां पे व्हाइट पीपीटी देता था, क्योंकि क्या होता टर्मिनल एल्काइन इसके साथ AgNO3 के साथ जो ले रहे हैं अमोनिकल ठीक है ना, उसमें क्या करता था ये सोल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। क्लियर क्लियर है चीज। अच्छा इसी पे एक क्वेश्चन और देखिए, मुझे एक बार बताइए अगर आपको रिएजेंट याद है, अगर मैंने कंपाउंड लिया फॉर एग्जांपल ये 2-ब्यूटाइन को 1-ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना है, तो बोलो रिएजेंट का नाम क्या, और 1-ब्यूटाइन को 2-ब्यूटाइन में करना है तो रिएजेंट का नाम, हाँ बोलो जल्दी से, अगर हमें 2-ब्यूटाइन को 1-ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना है तो रिएजेंट का नाम जो होता था मालूम है NaNH2, और अगर हमें 1-ब्यूटाइन को 2-ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना है तो एल्कोहलिक K
KOH यूज करते थे, हीट का साइन जरूरी है दोनों में, ठीक है ना, क्लियर है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि NaNH2 क्या करता है, टर्मिनल एल्काइन के साथ सॉल्ट बनाता है। तो दोनों ही मीडियम में दो अलग अलग बातें होती हैं। पहली बात, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, पहले इन दोनों में ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है, बनना वही चाहेगा क्योंकि उसके अंदर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो रहा है। तो जब हम लोग NaNH2 लेते हैं तो NaNH2 में क्या होता है कि टर्मिनल एल्काइन इसलिए बनता है क्योंकि टर्मिनल एल्काइन सोल्ट फॉर्म के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, क्लियर है, क्लियर है। और अगर KOH दे दिया तो KOH कहां लेके जाके जाएगा, 2-butyne में, क्योंकि वो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा कर रहा है, क्लियर। इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रहे आपको, आप डायरेक्ट याद है। अच्छा, ऐसे एक और क्वेश्चन है आइसोमेराइजेशन का, आपको मालूम है वो है, अगर मैं यहां पे कंपाउंड ले लेता हूं AlCl3 और मैं हीट ले लेता हूं हाई टेम्परेचर, बताइए प्रोडक्ट क्या बनता है, AlCl3 AgNO3 आपको मालूम है आइसोमेराइजेशन हो जाता था, N-butane का क्या बन जाता था, isobutane, याद आया कि नहीं है, अल्केन की रिएक्शन में है ये आइसोमेराइजेशन है ये भी। अच्छा, ऐसे एक और रिएक्शन है, जरा ध्यान से देखना, मैंने कंपाउंड लिया 1, 2, 3, 4, 5 और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया CrO3 Al2O3, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर साइक्लाइज एरोमेटाइजेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसके अंदर क्या बनेगा आपका, बेंजीन बन जाता है, क्लियर है ना, क्लियर है ये चीज। आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, एक रिएक्शन और करके बताइए, हाँ जी, पाइरिडिन भी हो सकता है और कभी कभी यहां पे वीक मतलब बेस OH माइनस भी ले सकता है एग्जामिनर, ठीक है, दोनों। आप पाइरिडिन से अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो OH माइनस ले लीजिए, दोनों में से कोई भी एक बताइए रिएक्शन। हीट नहीं दिया, ए में अभी हीट नहीं दिया, इस जगह पे हीट कोई भी हीट नहीं, बस आपको ये बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। हिंट ने, रिएक्शन का नाम है नोवेंजल, इसीलिए नाम नहीं बता रहे थे, ठीक है ना, कि कंफ्यूज हो गए इसलिए रिएक्शन दे दिया आपको डायरेक्टली करो। अरे भाई मुझे बताओ बेस सबसे पहले क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है कहां, ये इस पे माइनस बनेगा, ये कहां अटैक करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, सीओ अटैक कर लिया। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो जरा ध्यान से देखिए वो किस तरीके से होगा, बोलो ये होगा कि नहीं होगा,
मैंने हीट का साइन दिया नहीं है, इसके बाद है मैंने एच प्लस भी नहीं दिया, तो यही प्रोडक्ट फाइनल होगा कि नहीं होगा? देखो समझे, चलो एक चीज और देख करते हैं। अगर बाय चांस यहां पे मैंने एच प्लस एच टू ओ देकर एच प्लस एच टू ओ और फिर उसके बाद साथ में हीट भी दे रखा, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ तो बोलो अब। अबे अब सिनेमिक एसिड बनेगा, क्योंकि हमने आधी रिएक्शन दी थी और आपने क्या नोवेंजल सुनते पूरा रिएक्शन बता दिया आपने कि सिनेमिक एसिड बनेगा। बना के देखो कैसे, बोलो OH होगा कि नहीं होगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हीट का साइन है तो एक CO2 हट जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो इस तरीके से आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा COH, सिनेमिक एसिड। समझ में आया कैसे बना प्रोडक्ट? ये बना सिनेमिक एसिड। अच्छा एक मिनट, अगर मैं C की जगह CH3 लगा देता तो नाम क्या? फिनाइल हटा दिया, CH3 लगा दिया, अब उसका नाम क्या? क्रोटोनिक एसिड। क्या हो जाएगा? अरे भाई अगर इस पे सुन लो मेरी बात, फिनाइल रिंग लगाए तो सिनेमिक एसिड, और अगर CH3 लगाए तो, अच्छा छोड़ो, H लगा है तो क्या? बैक एक्राइलिक एसिड। एक्राइलोनाइट्राइल सुना है? एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है? CH2 double bond CHCl, एक्राइलोनाइट्राइल। H जोड़ देंगे एक्राइलिक नाइट्राइल। इसका पॉलीमराइजेशन करते तो बनता था पान, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। अच्छा बताओ ये जो है होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर? होमोपॉलीमर, घोचू एक से बनता है तो क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। ब्यूना एन कोपॉलीमर, समझे कि नहीं समझे? एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर कंडेंसेशन पॉल, एडिशन पाई बोन मैकेनिज्म फ्री रेडिकल। अब एक चीज और इस क्वेश्चन में, जब फ्री रेडिकल बनता है ना तो एक चीज याद रखना, मुझे बताओ फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कहां होगा, इस कार्बन पे या फिर इस कार्बन पे? बताइए, मतलब ऐसे लिख दे ये 1 और ये 2, बताओ फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कहां? 1 पे ज्यादा स्टेबल होगा, बना लो इसको, क्योंकि साइनाइड के केस में साइनाइड माइनस आर इफेक्ट शो करता है, पर यहां पे फ्री रेडिकल रेजोनेंस शो करता है साइनाइड के साथ उसके एंटीबॉन्ड के साथ। ये आपको मालूम है या नहीं, जीओसी में ऐसा पढ़ाया जाता है, समझ नहीं बात? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये पॉलीमराइजेशन में, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने इसको लिया, सुन लो, इसको लेके मैंने जोड़ दिया यहां पे, इसको लेके जोड़ दिया इसके, और दोनों को जोड़ के बना दिया एक पॉलीमर, तो बताओ उस पॉलीमर का नाम क्या? ब्यूना एन रबर। इन दोनों को जोड़ के जब बना दूंगा तो रबर का नाम हो जाएगा ब्यूना एन रबर, क्यों इसको बोलते? ये तो हो गया ब्यूटा 1,3-dine और वो हो गया एक्राइलो नाइट्राइल, सिंथेटिक रबर है। अच्छा जी अगर इसकी जगह हटा के स्टायरीन ले लेता तो कोपॉलीमर का एग्जांपल। ज्यादा आया? ठीक है, और ठीक है आगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? एक और क्वेश्चन करो तो जरा ध्यान से। रिएक्शन कौन सी? पूरी रिएक्शन का नाम नोवेंजल, पूरी रिएक्शन का नाम नोवेंजल रिएक्शन। अच्छा एक रिएक्शन और, हाँ उस वक्त वो हो जाएगा क्रोटोनिक एसिड। क्या हो जाएगा? क्रोटोनिक। अच्छा एक क्वेश्चन और करो तो जरा, और रिएक्शन का नाम भी बताना जरा।
हाँ जी तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ए, क्या बनेगा ये ए, इसका रिएक्शन करा दिया मैंने SOCl2 के साथ तो प्रोडक्ट बना बी, और बी का रिएक्शन मैंने कराया है, बी का रिएक्शन कराया मैंने NaBH4 के साथ, तो आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ हाँ सी बनेगा तो मालूम है, सी तो सबको मालूम है, सी है क्या एक मिनट रुक गया अभी, एक मिनट यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तो इसका ऐसा कर लेते हैं ए प्लस बी, बी का रिएक्शन हमने करा 140 डिग्री सेल्सियस पे कराया, 140 डिग्री पे हमने लिया H प्लस, ठीक है ना, H प्लस 140 डिग्री से आपका बना यहां पे ईथर, हाँ जी नहीं भी दोनों नहीं अलग सेम अलग अलग है ये, इसको मान लो डी डी दोनों अलग अलग है। अरे बताओ क्या बन रहा है, ए क्या बन रहा है ये बताओ, और बी क्या बन रहा है, ए और डी बताओ क्या है, बोलो क्या बनेगा, जिंक करेगा क्या, जिंक वही जो मेटल करता था, सोडियम जो करता हुआ है, सोडियम जिंक ये सब एक ही का, मैग्नीशियम याद करो हमेशा, ये हमेशा क्या करते हैं फ्री रेडिकल बनाते थे और सब्स्टिट्यूशन करते थे, जैसे जिंक के साथ रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते थे तो आरएमजीए बनता था कि नहीं बनता, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनता था कि नहीं बनता था, तो यहां पे भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, आपको मालूम है वुड रिएक्शन में भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनता था आरएनए जब उसकी आयनिक मैकेनिज्म थी, तो यहां पे भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनेगा कैसे, जब रिएक्शन करेंगे तो ये मालूम है जिंक इसके साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा इस जगह पे, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा जेडन बी आर, जो भी आप लिखना चाहें जेडन बी आर, तो ये जो कंपाउंड बना आपका इस जगह पे अब ये ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड हो गया कि नहीं हो गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ कि नहीं हुआ, अब न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, OH बनेगा, हीट का साइन है, हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा इसका, तो बताओ ए क्या बनेगा, सिनेमिक एसिड, ए क्या बनेगा सिनेमिक एसिड, क्लियर है, ए वापस से सिनेमिक एसिड बना, तो डी क्या बनेगा, डी घुचू हंस रहा है, बोल डी क्या बनेगा, अबे ए सिनेमिक एसिड बन गया, डी क्या बन रहा है बताएगा, हाँ तो फिर 140 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करा H प्लस के साथ, तो बोल क्या बना, ये क्वेश्चन ये है कि ईथर ही क्यों बना, अल्कीन क्यों नहीं बना, वो कितने बनता, मतलब वो जो बनता अगर हम यहां पे इसको लेते 170 डिग्री सेल्सियस तो हमारा बनता अल्कीन, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है इसलिए याद रखना, क्योंकि ऐसी रिएक्शन हमेशा पूछता है, टेम्परेचर 140 अगर 110 रहता ना तो सल्फोनेशन होता, ठीक है वो हम लोग नहीं लिख रहे, पर 140 डिग्री पे ईथर बनेगा, क्लियर है, वो सब्स्टिट्यूशन होता है, और 170 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, एलिमिनेशन, ठीक वो छोड़ो, बी क्या, COCl NaBH4 बताओ किसको रिड्यूस करेगा, 1-2 एडिशन या 1-4 एडिशन, याद करो कुछ दिन पहले बताया था 1-2 एडिशन 1-4 एडिशन कब ज्यादा होता है, 1-4 एडिशन नहीं करेगा क्योंकि यहां पे इस बार इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो NaBH4 इसी पे अटैक करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में, क्लियर है कि नहीं है, अच्छा NaBH4 कितने कंपाउंड को रिड्यूस करता है बताया था ये बात, कौन कौन, और इमाइन, कार्बन डबल बॉन्ड कराया था कि नहीं कराया, अच्छा इस पे एक क्वेश्चन कराया था, वो करा था आप लोग देखा था, कराया था क्या इस पे क्वेश्चन,
हाँ वन डिग्री, वो तो वन डिग्री और टू डिग्री को हैलाइड को करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना, हैलाइड को एक कंप्लीट, जैसे लिथियम एल्युमिनियम टू डिग्री करेगा, थ्री डिग्री में क्या करता है, एलिमिनेशन कर जाता है। हो गया। एक क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला करा है कि नहीं, रिडक्शन का हिसाब, अरे ये समझ में आना, इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, यहां पे ये अल्कोहल में। अच्छा एक ये देखो जरा, इसके बारे में बताओ, क्वेश्चन नंबर 9, ये अगर मैंने कंपाउंड लिया, ये क्वेश्चन कराया था क्या? हाँ तो कर लो फिर, बोलो इसका रिडक्शन होगा या नहीं होगा, NaBH4। कैसे? कार्बन डबल बॉन्ड N, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये है आपका इनामाइन, इनामाइन, और इनामाइन और इमाइन एक दूसरे के टॉटोमर होते हैं, याद आया कि नहीं आया? याद आया। तो ये जब टोटोमराइज करेगा तो ये कंपाउंड कन्वर्ट किसमें होगा मालूम है, N होगा कि नहीं होगा, याद आया कि नहीं, तो रिडक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो रे, अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए तो मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप लोग, ये छोड़ो, अगर NaBH4 ऐसे दे दे यहां पर, हीट का साइन दे रखा, प्रोडक्ट बनाओगे? अरे ये समझ में आया ना, ये वाला क्यों हो गया रिड्यूस, क्योंकि ये दोनों आपस में टोटोमर के फॉर्म में रहते हैं। अरे इस रिएक्शन का नाम क्या था, यहां पे जो ए बनाया था कोई बता सकता है इस रिएक्शन का नाम? रेफ्रोमेस्की, यहां से लेके यहां तक ये रिएक्शन का नाम था रेफ्रोमेस्की, याद करो, नोवेंजल, रेफ्रोमेस्की, क्लेंचन, याद है? ये एक्स्ट्रा रिएक्शन थी, पहले बता देता हूं, ये सारी एक्स्ट्रा रिएक्शन थी, सिलेबस में ऐसा नहीं है कि इनके क्वेश्चन रेगुलरली आए या फिर दो साल तीन साल में आए, चार पांच साल हो गए हैं, छह साल हो गए हैं ऐसे क्वेश्चन देखे हुए। तो आएगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा नहीं आ सकता पूरे ऑर्गेनिक में, अगर ये आए तो फिर बाकी सब सिंपल होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा छोड़ो, अरे बताओ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, किसी का हुआ क्या? अरे यार बैठ के बातें कर रही हो, देखो जरा ध्यान से इधर देखो, अरे यार एक बार बताओ ये रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, तो फिर ये भी होगा, तो फिर हो गया ना, बचा वही ना। अब एक मिनट, हीट का साइन दे रखा है हमने, ठीक है, इसलिए रिंग एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कंप्लीट चल जाएगी। ये ना, अच्छा मुझे बताओ कार्बन डबल बॉन्ड ये होगा कि नहीं होगा रिड्यूस, ठीक है, तो जब ये होगा तो यहां एच आ जाएगा ना, तो ये वाला सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही तो दिख रहा है, तो टोटोमराइज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? अरे समझ में आई बात, NaBH4 का ये था। अच्छा एक क्वेश्चन और करो फिर। अच्छा आपको फेवरोस्की रिएक्शन मालूम है? चलो एक क्वेश्चन कर, मालूम है कि नहीं मालूम है पहले बोलो, तो ठीक है उसके बारे में देख लो, एक क्वेश्चन देते हैं फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना, फिर आगे देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, गलती होने के क्या चांसेस हो सकते हैं इसके अंदर। यहां ले रखा है OH माइनस और हीट का साइन, सबसे पहली बार OH माइनस और हीट का साइन भी ले रखा है। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में हाँ OH में हीट का साइन नहीं, प्रोडक्ट बनाना है अब आपको,
सबसे पहले बेस, अगर हीट पहले बता देता हूं, अगर हीट का साइन होता ना तो एलिमिनेशन प्रीफर करते हैं, क्या प्रीफर करते हैं, टीसीपी प्रोडक्ट ज्यादा बनाते हैं, क्या बनाते हैं टीसीपी, जो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होता है। अब समझना हीट का क्वेश्चन देखना, हीट का साइन नहीं है तो मालूम है ये एसिडिक हाइड्रोजन किस जगह का एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन तो ये वाला भी है पर मेनली यहां से अटैक होगा, मैं बता रहा हूं पहले ही, इसमें जब रिएक्शन होगा इस जगह पे, यहां पे बनेगा माइनस चार्ज, करा होगा ये रिएक्शन अगर आपको ध्यान हो तो, यहां पे बनेगा माइनस चार्ज, ये अटैक करेगा इस जगह पे, क्लियर, ये जैसे यहां अटैक करेगा ये बन जाएगी थ्री मेंबर रिंग जो कि अनस्टेबल है। अब जो मीडियम में आपने OH माइनस रखा है वो अटैक करेगा इसके ऊपर तो रिंग एक्सपेंड हो जाएगी ना, क्योंकि स्टेन में है कि नहीं है, तो जल्दी जैसे यहां अटैक हुआ तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा यहां पे ऐसे, ये हो जाएगा O माइनस और ये हो जाएगा हमारा OH, O माइनस नीचे आएगा बॉन्ड टूट जाएगा, बताओ बॉन्ड किसका तोड़े, OH तोड़े या ट्रिपल बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन मालूम है, साइक्लोप्रोपेन नाम का सिग्मा है पर एक्चुअल में वो पाई बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, तो यहां कौन सा चार्ज, नेगेटिव, तो ये जो हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा आपका फाइव मेंबर के रिंग के एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा सी ओ ओ एच, और यहां जो माइनस बना वो मीडियम से एच ले लेगा कि नहीं ले रहा, तो हम यहां पे एच ओ एच का एच ले लें, ये कन्वर्ट हो गया ये कंपाउंड। रिंग कॉन्ट्रेक्शन फेवरस की रिएक्शन, ठीक है ना, पूछी तो अभी उनमें से और भी नहीं जाती, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं। हाँ देखो अभी जितने भी नाम बताए हैं इस सिलेबस में एडवांस के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पर पूछ ले तो, क्योंकि बाकी लोग पढ़ाते हैं इसलिए अभी बता दिया आपको, फिर बोलोगे कि नहीं पढ़ा, ठीक है ना, फिर भी इसके चांसेस सिर्फ 5% है, बता रहा हूँ जितने भी रिएक्शन के बोले 5% चांसेस है कि वो क्वेश्चन जो बाहर। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखें एक लास्ट क्वेश्चन करो जरा, एक क्वेश्चन कर लो, अरे समझ में आइए, चलो क्या प्रैक्टिस करा इस पे छोड़ो, ये करो तुम तो जो काम की चीज है इस पे करो ध्यान दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, हाँ जी लिख लो जरा, तो OET इसका रिएक्शन आपको कराना जल्दी, एक क्वेश्चन दे रहे हैं जरा लिखो जरा इसको, पिंच डाइल्यूट HCl क्विंच, ठंडा रखेंगे HCl को, ठीक है, नहीं तो आग लग जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन जब होती है ना तो फास्ट रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना, तो अगर क्विंच नहीं करते उसको, अगर ठंडा नहीं रखते ना तो वहां पे तो क्या होगा, प्रोसेस ब्लास्ट हो सकता है वहां पर, इसलिए तो आप क्विंच का मतलब ये सिर्फ एक बार लिख रहे हैं, एग्जामिनर क्विंच ना लिखे तो कोई बात नहीं, जहां एच प्लस भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, एच प्लस भी लिख सकता है, क्लियर है, ठीक। थर्ड चलिए बनाइए जरा प्रोडक्ट,
ये रिएक्शन आ सकती है पहली दूसरी स्टेप। इस रिएक्शन का नाम है क्लेंशन कंडेंसेशन। पहली दूसरी स्टेप क्लेंशन कंडेंसेशन। चलो देखें आता है कि नहीं आता। प्रोडक्ट बना के बता दें इसका आंसर। आंसर बना के बता दें इसका। नहीं बना। चलो ठीक है। हमने रिडक्शन के अधिकतर पोर्शन कवर कर लिए हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इतना कुछ है भी नहीं। एक दो बार एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे। जैसे डाइबेल एच, डाइबेल एच किस किस को रिड्यूस करता है? अगर डाइबेल एच को -78 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, ठीक है ना, तो ये कुछ खास चीजों को ही रिड्यूस करता है। जैसे इम्प्योर कार्बोनिल, जैसे एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड, साइनाइड को एल्डिहाइड, ईस्टर को एल्डिहाइड, अमाइड को अल्डिहाइड। क्लियर है? और जैसे दे रखा है कि अगर एल्डिहाइड दे रखा है और उसके साथ रिएक्शन करा रहे तो उसको किसमें कन्वर्ट करेगा? एल्कोहल में। क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट नहीं करता। कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट नहीं करता। पर अगर ये COO माइनस होता ना कार्बोक्सिलेट, जितनी भी फॉरेन ऑथर की किताबें उनमें सब क्या लिखा, अगर कार्बोक्सिलेट आयन होता RCOO माइनस, तो डाइबेल एच उसको एल्डिहाइड में बहुत फास्ट कन्वर्ट करता। ठीक है? पर एनसीईआरटी ने नहीं लिखा क्योंकि मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो सम कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसिडर नहीं कर रहे। क्लियर है? साइनाइड को भी ये कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। आपको मालूम है एक और रिएजेंट है हमारे सिलेबस में जो साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता। बोलो क्या? SnCl2 प्लस HCl रिएक्शन का नाम स्टीफन रिडक्शन। याद आया कि नहीं आया? वो भी साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता था। क्लियर है? प्लस H2 लेना बहुत जरूरी है। अगर हाइड्रोलिसिस नहीं करा तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा उसके अंदर। एल्कोहल एंड ईथर का भी मार्गदर्शन वाला कर लेना आप लोग, और अगर हो सके तो इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का भी कर लेना, क्योंकि रिडक्शन वाले अधिकतर पोर्शन कंप्लीट कर लिए। चल अरे बनाओ, इसमें क्या बनाइए? लिख लो इसमें। बन गया बस। अरे एक बार बताओ, ये मैंने बोला क्लेंशन कंडेंसेशन है, तो क्लेंशन कंडेंसेशन में ये पहले इसके हाइड्रोजन को निकालेगा कि नहीं निकालेगा, और ये यहां अटैक करेगा कि नहीं करेगा? अब करके देखिए रिएक्शन। इतना तो पहले तो कितने मेंबर की रिंग बन रही, चेक करो। 6 मेंबर की रिंग बन गई। तो 6 मेंबर की रिंग में क्या हो गया, हम लोग बना लेते पहले 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हीट का साइन भी दे रखा है यहां पे। ये हो गया हमारा कंपाउंड, इस जगह पे ही हो जाएगा ओ, सॉरी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड ओ, और ये CO, ओ एच क्यों होगा जबरदस्ती? कहां हीट दे रखा है? एक मिनट, ये डाइल्यूट HCl दिया है ना, तो डाइल्यूट HCl से ये OH यहां जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, अब आगे देखो। फिर से ये प्रोडक्ट बनेगा यहां तक, इस जगह पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो यहां से, इस जगह से देखो, ये वापस से क्लेंशन, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं। अरे एक सोल्व करो, चलो नहीं जा रहे अभी, सोल्व करो इसको, देखें आगे कैसे बनता है ये। हाँ हीट है नहीं ना, हीटिंग इफेक्ट होना चाहिए ना, हमने डाल। अरे ये पहले तो ये अटैक करेगा और ये कंपाउंड बनेगा, और ये ओएच कब बनेगा? जब डाइल्यूट HCl लिया है ना, तो ये डाइल्यूट HCl ईस्टर को हटा देगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा? अब जब आप CH3O- लोगे तो ये वही रिएक्शन हुई ना, तो ये किस कौन से हाइड्रोजन को लेके जाएगा? इस वाले H, यहां माइनस आएगा कि नहीं आएगा? ये माइनस किस पे अटैक करेगा? CH2Br पे, तो CH2Br जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा?
फिर CH2Br के साथ हमने कौन सी रिएक्शन कराई, NaOH, वो भी क्या लिया, एक्वस, क्या लिया है, ठीक है हां एक्वस NaOH, ये फालतू की दो स्टेप आई है, एक्वस NaOH के साथ मालूम है क्या होगा, यहां पे ये तो जुड़ जाएगा CH2Br, एक मिनट, यहां पे जुड़ेगा आपका क्या जुड़ेगा, CH2Br जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, यहां पे ये जुड़ जाएगा आपका, इस जगह पे जुड़ जाएगा आपका कंपाउंड, ये हो जाएगा CH2PH और ये हो जाएगा COOO-, इसके बाद एच प्लस के साथ फिर वापस से एच जुड़ जाएगा, जबरदस्ती फोकट के दो रिएक्शन फोकट की डाली, ठीक है ना। अब हीट का साइन है, जरा ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा CO2 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा तो वो प्रोडक्ट बनेगा, नहीं नहीं बस ये दो स्टेप है एक्चुअल में, ये जबरदस्ती की दो स्टेप है, ठीक है वो पर आप समझ जाना, एक एसिड बेस रिएक्शन है, फिर वापस से उसको हमने करा, ठीक है तो इसको कर लेना। अगली क्लास में हम ऑक्सीडेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, बायोमोलिक्यूल के साथ साथ एमाइंस के भी क्वेश्चन करेंगे, एमाइंस कर्टियस रिएक्शन जानते हो, कर्टियस लॉजन सिमिट, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ चीजें बची हुई है जैसे बैकमैन रीअरेंजमेंट और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये कुछ ये रिएक्शन अमाइंस की रिएक्शन कुछ बच गई है, नाइट्रोजन वाली अभी नहीं कंप्लीट करी, वो अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, वो प्लस ऑक्सीडेशन, ठीक है तो चलिए तैयार हो जाइए, इसको कंप्लीट कर देना।